हरे कृष्णा अध्याय दूसरा श्लोक नंबर 49। दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणः फलाहेतवः। इसका अर्थ, हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त ग्रहित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। इसका तात्पर्य, जो व्यक्ति भगवान के दास रूप में अपने स्वरूप को समझ लेता है वह कृष्ण भावनामृत में स्थित रहने के अतिरिक्त सारे कर्मों को छोड़ देता है। जीवन के लिए ऐसी भक्ति कर्म का सही मार्ग है। केवल कृपण ही अपने सकाम कर्मों का फल भोगना चाहते हैं, किंतु इससे वे भवबंधन में और अधिक फंसते जाते हैं। कृष्ण भावनामृत के अतिरिक्त जितने भी कर्म संपन्न किए जाते हैं वे ग्रहित है, क्योंकि इससे कर्ता जन्म मृत्यु के चक्कर में लगातार फंसा रहता है। अतः कभी इसकी आशंका नहीं करनी चाहिए कि मैं कर्म का कारण बनूं। कृष्ण भावनामृत में हर कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। कृपणों को यह ज्ञात नहीं है कि दैववश या कठोर श्रम से अर्जित संपत्ति का किस तरह सदुपयोग करें। मनुष्य को अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत अर्जित करने में लगानी चाहिए। इससे उसका जीवन सफल हो सकेगा। कृपणों के भांति अभागे व्यक्ति अपनी मानवीय शक्ति को भगवान की सेवा में नहीं लगाते। हरे कृष्णा। तो ये था तात्पर्य दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं, भक्ति में हमें ग्रहित कर्मों को दूर रखना चाहिए। ग्रहित कर्मों का मतलब क्या है? Abominable activities which has been not recommended by scriptures, जो शास्त्र में recommend नहीं किया है, जिसको हमें निषेध कहा गया है, नहीं करना है, that is abominable activity। वो कर्म हमको दूर रखने हैं कृष्ण भक्ति में, तभी हम सफल होंगे। क्योंकि यहाँ पे हम अपना गलत सलत कार्य करते रहेंगे, सकाम कर्म करते रहेंगे और इधर भक्ति करते रहेंगे, तो दोनों लेवल में चलेगा। इधर क्या होगा, इधर कर रहे इधर भुगत रहे, इधर कर रहे इधर भुगत रहे, तो फल पूरी तरह से प्राप्त जो करना चाहते हैं कृष्ण भक्ति में उसका नहीं मिलेगा, नहीं प्राप्त होगा। तो ये दोनों हैंड बाय हैंड चलने जैसा होगा। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, जैसे भगवान ने पिछले श्लोकों में बताया था, वैसे ही आसक्ति निकाल के भगवान में आसक्ति लगाना है। मतलब भौतिक में आसक्ति निकाल के उस आसक्ति को भगवान में लगाना है, तब हमें ये कर्मों का जो कार्य है वो नहीं लगेगा और हम उससे दूर रह पाएंगे। तो जो व्यक्ति सकाम कर्म फलों का भोगना चाहता है वो कृपण है। अब ये कृपण कौन है? कृपण का मतलब है माइजर, माइजरली पर्सन। मतलब कौन? कंजूस, कंजूस व्यक्ति। अब ये कंजूस व्यक्ति को क्यों यहाँ पे भगवान ने बताया है कि ये जो व्यक्ति है वो कंजूस है, ऐसे जो करता है, जो सिर्फ फल श्रुति वाला ही काम करता है, फ्रूटिव एक्टिविटीज़ ही करता है, भौतिक संसार को लेके कृष्ण भक्ति में नहीं आता है, उसको माइजरली कृपण कहा गया है। क्यों? क्योंकि ये जो व्यक्ति है वो सही तरह से अपना शक्ति, अपना नॉलेज और अपना एनर्जी और धन सही काम में नहीं लगा रहा है, वो गलत काम में लगा रहा है। जैसे कंजूस व्यक्ति होता है ना, वो कहीं उसको कहाँ जाए कि आप ये कार्य करो तो आप बड़े फ़ायदे में रहोगे, तो वो पहले उसमें नफ़ा नुकसान देखेगा, तो वो सोचेगा कि मैं इतना इन्वेस्ट करूँगा, मुझे इतना फ़ायदा होना चाहिए। अगर वो नहीं उसको फ़ायदा होता तो वो उसमें नहीं इन्वेस्ट करता है ना।
वो इन द फॉर्म ऑफ टाइम हो, मनी हो, एनर्जी हो, कुछ भी हो। आजकल अधिकांश लोग यही आकलन लगाते रहते हैं माइंड में, मैंने ऐसे ऐसे किया तो मुझे इसका ऐसे ऐसे बेनिफिट कैसे मिलेगा। जैसे कि सांसारिक लोग भौतिक दुनिया में बोलते हैं, मैंने इतने इतने शेयर्स में डाले, मैंने इतने इतने म्यूचुअल फंड में डाले तो मुझे 2 साल में इतना आना चाहिए, 3 साल में इतना, अभी के अभी ऐसे ऐसे सब क्या क्या पता नहीं सोचते रहते हैं और करते रहते हैं। तो ये जो मनी माइंडेड पीपल है, ये जो भौतिक संसार में जो ऐसे आकलन नफा नुकसान का ये करते हैं, उनको कंजूस कहा गया है, क्योंकि उनकी बुद्धि जो है वो उसको इसी चीज़ में लगाए रखते हैं, बड़ी चीज़ में नहीं लगाते हैं जो बहुत फ़ायदेमंद में रह सकते हैं, जिसमें आपको इन्वेस्ट कुछ नहीं करना है बट यू विल रीप द बेनिफिट एट द हाइएस्ट लेवल। तो ये उनको ऐसी समझ नहीं है, ऐसे लोगों को कंजूस बोला है भगवान ने, कृपण बोला है, जो अपनी शक्ति को सही तरीके से उपयोग नहीं करते। तो यहाँ पे तात्पर्य में शीला प्रभुपाद बताते हैं, ऐसा कार्य जो है, जो कृष्ण भावनामृत में रोड़ा बन रहा है, ऑब्स्टिकल बन रहा है, अबोमिनेबल एक्टिविटी जो हम कर रहे हैं, उस कुछ भी तरीके से उसको बंद करना है, छोड़ देना है, नहीं करना है, क्योंकि वो हमें भक्ति के कर्म में सही मार्ग नहीं दिखाएगा। तो ये क्यों ये भगवान ने यहाँ पे रोकने के लिए कहा है तुरंत, क्योंकि यही है कारण फल भोगने का जो वृत्ति है, एंजॉइंग प्रोपेंसिटी है जीवात्मा की, वो ही उसको भवबंधन में फंसाती है अधिक से अधिक तरीके तक। तो ये उसको जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह में भी फंसाती है, ये इतना मतलब इसका प्रभाव इतना ये है, परिणाम बहुत ही खतरनाक है। तो ये हमको यहाँ पे भगवान सतर्क करवा रहे हैं, अलर्ट करवा रहे हैं, डंका बजा रहे हैं कि सावधान हो जाओ, ऐसे कर्म तुरंत बंद कर दो जो कृष्ण भावनामृत में तुम अगर नहीं कर रहे हो। तो ये यहाँ पे ऐसे बताया है। और दूसरा जो है, अब जो बताया है वैसे कि कृपण जो होता है वो अपना ज्ञान पूरी तरह से नहीं लगाता है, क्यों, क्योंकि उसको अगर दैववश किसी देवी देवता के इससे कृपा से या कठोर श्रम से, हार्डवर्क से उसको संपत्ति उसने इकट्ठा की बट उसने उसका सदुपयोग नहीं किया, उसने गलत कार्य में लगा दिया है ना। आजकल लोग ऐसे ही करते हैं, मूर्ख ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे शीला प्रभुपाद ने कहा कलयुग में ज़्यादा से ज़्यादा अधिकांश जो लोग हैं सब मूर्ख है। तो वो लोग अपनी जो संपत्ति है सही डायरेक्शन में नहीं लगाते हैं, क्या करते हैं, इतना गधा मजूरी करते हैं और फिर जाके एक साथ उसको पानी में झोंक देते हैं, क्लब में डाल देते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, दारू नशाबंदी करते हैं, एक क्षणिक टेम्पररी खुशी के लिए, जो कि खुशी है भी नहीं, उसको ऐसा सोच के पूरा अपना पैसा धन गंवा देते हैं। एक बार मैं एक जगह पे मैं इंटरव्यू के लिए गई थी, वहाँ पे उन्होंने कंपनी के बाहर स्लोगन डाला था, वो कुछ इस तरह से था कि वी वर्क हार्ड एंड पार्टी हार्डेस्ट। तो ये पढ़ के मुझे बहुत हंसी आई कि ये भगवान, मतलब इंसान कितनी इंद्रिय तृप्ति करेगा और वो इंद्रिय तृप्ति करके मतलब गधा मजूरी इतना कर रहा है बहुत कठिन, इससे वर्क हार्ड एंड पार्टी हार्डर मतलब तुम काम करो गधा मजूरी जैसे, बोझा ढो दिन भर और रात को वापस कमर तोड़ तुम और मौज मस्ती करो। तो ये कौन सी मौज मस्ती हो गई दोस्तों, जो कमर तोड़ तुम मस्ती कर रहे हो, हार्डर क्या है ये, यहाँ पे तुम सुबह काम कर रहे हो और जाके पार्टी कर रहे हो, ना नाच रहे हो, इतने नाच रहे हो कि तुमको सुबह होश ही नहीं रहेगा। यही नाच गाना आप कीर्तन के फॉर्म में भगवान के सामने मंदिर में नाचोगे तो जब आप उससे निकलोगे बाहर तो आप इतना दिव्य फील करोगे, इतना एनलाइटेंड फील करोगे,
मैं आपको प्रत्यक्ष प्रमाण बता सकती हूँ, ये चैतन्य महाप्रभु के द्वारा जो संकीर्तन यज्ञ शुरू हुआ है दोस्तों, ये कोई साधारण चीज़ नहीं है। आप भगवान के सामने हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन बस शुरू कर दीजिए, जोर जोरों से नाचिए, देखिए आपको कितना रिलैक्स फील होता है। ये आपको कोई योगा में भी ऐसा रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा जो आप भगवान के सामने नाचोगे और कीर्तन करोगे, क्योंकि खुद भगवान आपको देख रहे हैं नाच ते हुए, आपको आनंद लेते हुए। तो जब भगवान की नज़र हमारे ऊपर कृपा दृष्टि पड़ती है तो हम और प्रज्वलित होते हैं और भक्ति में बिना रोड़े लगे आगे बढ़ने लगते हैं। वही कर्म हम अगर सेवा फॉर्म में कीर्तन में करते हैं उसको सेवा कहते हैं, अगर वो भौतिक स्तर पर हम क्लब पार्टीज में नाचते हैं तो उसको क्या कहते हैं, इंद्रिय तृप्ति कहते हैं, उपभोग करना कहते हैं, एंजॉइंग प्रोपेंसिटी, जो हमको क्या करता है, सजा देता है। तो जब ऐसा होता है तो भैया भगवान हमको क्या करते हैं, यमराज के हवाले कर देते हैं, जाओ भैया इसको ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है, तो ये हमको कहाँ क्या करेगा, नरक में लेके जाएगा। ऐसे भौतिक नाच में हमने अगर शामिल किया अपने आप को तो ये हमको नरक में लेके जाएगा। वही नाच अगर हम भगवान के सामने करते हैं तो वो सेवा कहलाता है, कीर्तन कहलाता है, भगवान की तुष्टि होती है उसमें, जो अल्टीमेटली हमारी खुशी होती है उसमें। तो यहाँ पे लास्ट लाइन में श्रीला प्रभुपाद ने बहुत बराबर से कहा है, ऐसे कृपण जो होते हैं ना, ये बहुत अभागे व्यक्ति होते हैं, ये मानवीय शक्ति को नहीं समझते जो भगवान के सेवा में नहीं लगाते हैं, ये ऐसी गलत चीज़ में सेवा लगाते हैं, क्या करते हैं, इधर उनको अच्छी जिंदगी मिली है उनके पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों से, तो वो अच्छा धन मिला है, अच्छा घराना अगर मिला है, अच्छा शरीर मिला है, तो तंदुरुस्त शरीर मिला है, तो वो भगवान के सेवा में नहीं लगाएंगे, उसको गवाएंगे पूरा इंद्रिय तृप्ति में, पूरा एटमोस्ट उसको खाली कर देंगे और अंत में क्या, एक लकड़ी लेके बस घूमेंगे फिरेंगे और एक दूसरे को अपना दुख का कहानी, सुख का कहानी बताएंगे, इस ज़माने में हम इतने रईस थे, इतना हमारे पास ताकत था, इतने हमने मज़े किए थे, क्या बताएं अभी आपको, ऐसे बस कहानी बनके जो जग की व्यथा होती है ना वही बनके रह जाती है। तो जो हरी कथा है वही असलियत में कथा है दोस्तों, बाकी सब जग की व्यथा है। आप देखिए, एक तो लोग जो गॉसिप करते हैं वो बस दो ही चीज़ करते हैं, या तो खुद की बड़ाई करते हैं या दूसरों की बुराई करते हैं, और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे भगवान यही बता रहे हैं, ये हमको ये सब कार्य जो है वो बंद करना है और कृष्ण के सेवा में लग जाना है। तो संपत्ति को किस तरह से सदुपयोग में ला सकते हैं जो हमको कठोर श्रम और देववश मिला है, ये लास्ट चैप्टर में 18वें अध्याय में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि तीन चीज़ हम हमेशा करते रहना चाहिए। अगर हम उस स्तर पर पहुंच भी गए, पवित्रता के स्तर पर पहुंच भी गए, शुद्ध भक्त हो भी गए भगवान के, तो भी हमको ये तीन चीज़ करते रहना है। वो क्या है, जप तप और दान, मतलब चैंटिंग ऑफ द होली नेम, ऑस्टेरिटी बाय द बॉडी एंड दान चैरिटी, धन का चैरिटी करना। तो जप जो होता है वो तो हम मन और शरीर से दोनों को लगा के करते हैं तो दोनों पवित्र होने लगती है ग्रेजुअली, और तप जब ऑस्टियर करते हैं तो ऑस्टेरिटी जो है, तपस्या जो है वो शरीर को तपाता है। तपस्या मतलब तपाना, जो शरीर भोग भोग इतना भोग के एंजॉइंग इससे अनंत काल से मस्ती मजा करके आ रहा है, उसको जब हम तपस्या में तपाते हैं तब वो प्यूरीफाई होता है, ये बॉडी का ऐसा प्यूरिफिकेशन होता है। उससे मन भी कंट्रोल में आ जाता है, जो एक बंदर के भांति चंचल रूप में हमेशा हमें सताते रहता है, इस डाली से उस डाली, उस डाली से इस डाली, तो उसको भी नियंत्रण करने का ये असली ये है दवा है तपस्या। तो ऑस्टेरिटी करके हमें ऐसा हासिल होगा। और दान जो है, जो हम कमाते हैं धन राशि कमाते हैं जो भी, वो हमको इतना इतना परसेंट या जितना हमारी यथाशक्ति हो उसको हमेशा भगवत कार्य में लगाना है, इधर उधर नहीं लगाना है, ये संस्था वो संस्था करके जेन्यूनली जहाँ पे भगवान की भक्ति होती है, जहाँ पे सच में
भगवान की सेवा होती है, कृष्ण भगवान की और उनके वैष्णवों की सेवा होती है, वहाँ पे हमको ये धन लगाना है, क्योंकि ये धन की प्यूरिफिकेशन है। ये धन हो जो भौतिक संसार में घूम रहा है, ये प्यूरिफाइड नहीं है। ये किस किस तरीके से लोग गलत सलत काम से कमाते हैं, तो इसमें उसके रिएक्शंस आ जाते हैं जो हमको इनविजिबल है, दिखते नहीं हैं, बट ये सब सटल होता है, सूक्ष्म होता है, जो हमारी समझ के बाहर है। तो जब हम ये सब निर्देशन भगवान के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं तो बड़े फायदे में रहते हैं। तो ये तीन चीज़ कृपण व्यक्ति कभी नहीं करता है, ये सिर्फ जो भक्ति में सेवा में जो भगवान के भक्त करते हैं तो ये इसमें फ़ायदे में रहते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पे कि एबोमिनेबल एक्टिविटीज़ क्या है, जिससे आपको पता चले एबोमिनेबल एक्टिविटीज़ वो है जो भी फलश्रुति वाले काम हम करते हैं, जो उसमें भगवान की भक्ति ना हो, भगवान के तरफ ना हो, वो सब एबोमिनेबल एक्टिविटीज़ कहलाता है। वो एक्शंस जो हमको जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह में फंसाए रखती है, जिसमें कृष्ण की संतुष्टि के लिए नहीं किया जाता है, और वो बार बार हमें लाइफ एंड डेथ के साइकिल में फंसाए रखती है, उसको एबोमिनेबल एक्टिविटीज़ कहते हैं। तो आप समझ लीजिए, दिन भर में आप क्या करते हो, क्या सोचते हो, क्या उसके तरफ आपका निर्णय है, ये आप अभी उस पर चेक रखिए, आप उस पर ध्यान रखिए कि ये क्या हो रहा है मेरे हाथ से, क्या क्या चल रहा है। तो ये इस तरह से भगवान ने हमको यहाँ पे अलर्ट किया है कि जो भी कार्य करना है, राइट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, बुद्धि योग और ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस, प्रेमामयी भक्ति जो दिव्य स्तर पर है, वो हमेशा करना है। करना कुछ नहीं है दोस्तों, जो भी हम करते हैं कार्य, उसमें भगवान को सेंटर रखना है, कृष्ण को सेंटर रखना है कि ये मैं आपके लिए कर रहा हूँ, और इसका जो भी फल है आप निर्धारित करना भगवान, क्योंकि आप इसके अधिकारी हो, मैं नहीं हूँ। और जो कुछ भी उससे मिलता है हमको वापस उसी को भगवान के सेवा में लगाना है, तब हम इस बौबंधन से धीरे धीरे छूटते जाएंगे, वो नॉट छूटते जाएगा, छुड़ाते हम जाएंगे, और एक दिन ऐसा आएगा जब वो सब नॉट टूट जाएगा और वी विल बी लिबरेटेड, हम उससे भौतिक बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो ये था इस श्लोक का अर्थ दोस्तों। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय।